अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे घर में दो नए मेहमान आए हुए हैं और इससे सारा घर बहुत खुश हुआ है कि हमने दो नए मेहमान लेकर आए। लेकिन आज इसे लाए हुए हमें 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, पर मेरी किटी जो है ये लोगों के साथ अंदर बैठना चाहती है इनके पिंजरे में, तो मुझे उठाकर इसका पिंजरा जो है ऊपर रखना पड़ा है। लेकिन ये लोग बहुत शोर ज़्यादा करते हैं और फिर खाली सिर्फ खाते हैं और शोर करते हैं, तो इसे मुझे फिर घर में ऊपर रखना पड़ा है कि मेरी किटी उनके पिंजरे में जाके बैठना चाहती है। तो हमें ऐसा जानवर नहीं चाहिए जिसे हम कैद करके रखें। हम लोग सोचते हैं कि जैसे इंसान आज़ाद रहना पसंद करते हैं, वैसे ही जानवरों को भी आज़ाद रहना चाहिए। तो अभी देखते हैं इसका क्या करना है। पहले सबसे पहले मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, तो मैं कोरमा बना रही हूँ, तो आपको कोरमे की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही जल्दी से बनकर रेडी होता है। यहाँ पे मैं तेल ले रही हूँ, इसमें मैंने तेल ऐड किया 5 से 6 चम्मच, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी हूँ। इसमें 2 से 3 तेज़ पत्ते ऐड कर दी हूँ और अच्छे से फटाफट इसे जल्दी से मैं खाना बनाने के बाद फिर हम इस जो लब बैठ लाए हुए इसे हम वापस कराएंगे और दूसरा एक नया मेहमान लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 5 से 6 काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और 4 से 5 लौंग मसाले। ये प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर प्याज को भून कर हल्का जब गोल्डन कलर हो जाएगा, फिर इसमें हमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी, और मैं यहाँ पर गोश्त जो ले रही हूँ वो आधा किलो गोश है, तो उस हिसाब से ही मैं सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके मसाले को अच्छे से हम यहाँ पर भून लेंगे। अच्छे से 1 से 2 मिनट मसाले को भून ली हूँ, तो देखो यहाँ पे जो गोश है मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर हड्डियों वाला गोश लिया है, तो इससे सालन बहुत अच्छा बनता है और चिकना भी थोड़ा इसके अंदर है, चर्बी वगैरह थोड़ा गोश्त में रहती है, तो जो तेल होता है इसका बहुत अच्छा इसमें निकलता है। और अच्छे से यहाँ पर हमें सब मिक्स कर लेना है। इसमें ऐड करेंगे अभी हम यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी। हल्दी इसलिए ऐड कर रही हूँ पहले से कि इसमें जो कलर अच्छा बहुत अच्छा सा आता है हल्दी का, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ इसमें। और यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे साथ ही में हम, तो जो नमक से जल्दी से जो हमारा गोश्त है वो भी अच्छे से गल जाएगा। तो 1 चम्मच यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ और अच्छे से हम मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाला भूनना ना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अच्छापन होता है ना मसाला, फिर तो वो सालन बहुत फिर मतलब अच्छा नहीं बनता है, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो 1 से 2 मिनट हो चुका है मसाले को भूनते हुए, तो थोड़े से गर्म मसाले फिर से ऐड करेंगे। फिर से यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ, दूँ थोड़ी सी, और फिर यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची है, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, ये तेज़ बिल्कुल नहीं होती। और यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, मटन का गरम मसाला आता है ना वो ऐड कर रही हूँ, और आधा चम्मच इसमें मैं मटन का गरम मसाला ऐड कर दी हूँ। 1 चम्मच में धनिया पाउडर है वो ऐड कर दी हूँ, और अच्छे से सब मसालों को मिक्स करके और 1 से 2 मिनट हम उसे पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कलर है हमारे कोरमे का कितना अच्छा सा आ चुका है। अभी हमें यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ना दही ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच दही ली हूँ। तो सॉरी, मैं दही को ना फेटना भूल गई थी। फेट के ऐड करेंगे तो अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट जब बनता है ना दही के अंदर, तो इसको ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा जो ऐसे मोटी मोटी आती है दही, तो वो नहीं आएगी। तो कभी भी ना दही को अच्छे से फेट के ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा आधा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ कि और थोड़ा अच्छे से हमको कुकर की सीटी लगा लेना है। 2 से 3 सीटी में गोश्त भी गल जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसकी जो सीटी है वो लगा लूँगी कुकर की। तो यहाँ पे देखिए सीटी मैंने लगा ली थी। 2 सीटी के बाद मैं इसमें थोड़ा सा आलू ऐड कर रही हूँ, दो दो मीडियम साइज़ के आलू लेके इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना आलू सालन में बहुत पसंद होता है, मेरे बच्चे खाते हैं, तो मैं इसलिए 2 आलू इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा पानी ऐड करके फिर से मैं इसकी 1 सीटी लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सालन है वो बनकर रेडी हो चुका है। 1 सीटी
लग चुकी है इसके अंदर, लेकिन शायद थोड़ा सा और गोश्त, अरे सॉरी आलू थोड़ा सा मतलब गला नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से इसे चला लेंगे। फिर मैं इसके अंदर एक सीटी और लगा लूँगी ताकि जो हमारा आलू अच्छे से गल, तो सीटी लगा के इसे गला लेंगे एक बार। और अब यहाँ पे मैं मैंगो का जूस बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर मैंगो को पहले ही काट के चीनी ऐड करके इसमें रख दिया था। तो अगर आपको इसकी रेसिपी पूरी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बिल्कुल जैसे हम पीते हैं ना होटल में जाके मैंगो जूस वगैरह, ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जूस सेंटर में जैसे जूस पीते हैं, तो मैं उसी तरीका मैंगो का जूस बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें दूध लिया था आधा लीटर, 3 मैंगो था, और इसमें फिर हम बर्फ़ ऐड करके अच्छे से मिक्सी जार में घुमा लेंगे, तो वो बहुत अच्छा एक जो मैंगो का जूस है वो बनता है। तो अफ्तारी से पहले ही मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, अभी असर का टाइम हो चुका है, खाना भी हमारा बन गया है सालन, और मैं यहाँ पे मैंगो का शरबत बना रही हूँ। जल्दी से इसे बनाने के बाद फ्रिज में रख दूंगी तो अभी ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो जूस है मैंगो का वो बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा हमें और दूध और पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। और मैं इसमें पाइनएप्पल जेल आता है जो केक में इस्तेमाल होता है, मैं वो ऐड कर रही हूँ थोड़ा सी, तो 5 से 6 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक बार इस तरीके से बनाओगे यकीन कीजिए बहुत ही मज़े का शरबत बनता है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से हम अच्छे से एक बार और घुमा लेंगे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके साथ मैंगो जूस की बहुत आसानी से बनने वाले इसकी जो रेसिपी वो शेयर करूँगी। और इसका जो पाइनएप्पल इसमें जब हम ऐड करते हैं तो इसका जो फ्लेवर है वो हाई लेवल पे चलता है। तो अब हम दूसरा एक और दूसरा मेहमान आने वाला है हमारे घर, तो कल इस ब्लॉग को ज़रूर देखना। अल्लाह।